विकास दुबे पर एफआईआर दर्ज कराने वाला राहुल तिवारी 12 दिन बाद आया सामने। कानपुर एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे पर एफआईआर दर्ज कराने वाले राहुल तिवारी का पता चल गया है। बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात शूटआउट के बाद से राहुल तिवारी लापता था। बिकरू कांड से पहले राहुल तिवारी ने विकास दुबे पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बीते 12 दिनों से घटना के बाद से राहुल तिवारी अपनी पत्नी के साथ लापता था। चौबेपुर थाने में रखकर पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। रविवार को ही पुलिस ने उसके घर जाकर परिजनों को कहा था कि अगर राहुल तिवारी पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, जिसके बाद वह अब सामने आया है। राहुल तिवारी का मोहिनी निवादा गांव में ससुराल है। आरोप है कि वह ससुराल में जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन पत्नी की बहनें उसका विरोध कर रही थी। बिकरू में ब्याही राहुल की एक साली ने विकास से इसमें दखल देने को कहा था, जिसके बाद विकास ने राहुल को पीटा था। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद यह एफआईआर दर्ज हुई थी। फरीदाबाद से लाते वक्त 9 जुलाई की सुबह एनकाउंटर में मारे गए प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय की उम्र पर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने प्रेस नोट में प्रभात मिश्रा की उम्र 20 साल बताई थी, जबकि मंगलवार को उसके परिवार ने दावा किया है कि प्रभात की उम्र 17 साल थी। इसके समर्थन में उन्होंने मार्कशीट और आधार कार्ड भी दिखाया है। इसमें प्रभात की जन्मतिथि 27 मई 2004 लिखी हुई है। हरियाणा और यूपी पुलिस की टीमों ने प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय को 7 जुलाई की रात फरीदाबाद में पकड़ा था। दावा किया गया था कि प्रभात और अन्य के साथ विकास दुबे भी था, जो कुछ समय पहले भाग निकला था। फरीदाबाद की अदालत से 8 जुलाई को उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया था। पुलिस का दावा है कि 9 जुलाई की सुबह कानपुर लाते वक्त कानपुर के भौती एरिया में हाईवे पर अचानक सरकारी गाड़ी पंचर हो गई और प्रभात ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद वह एनकाउंटर में मारा गया। नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के 6 महीने पूरे हो गए हैं। नोएडा पुलिस ने 6 महीने के कार्यकाल को लेकर मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह व्यवस्था लागू होने के बाद पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराध कम हुए हैं। इसके साथ ही इमोशनल पुलिसिंग, महिला विरुद्ध अपराधों में जन सुनवाई से लेकर कार्रवाई तक की व्यवस्था बेहतर हुई है। आंकड़ों के अनुसार इन 6 महीनों में डकैती और फिरौती के लिए अपहरण करने की एक भी घटना नहीं हुई है। वहीं लूट, वाहन चोरी और अन्य चोरी की वारदातें भी पिछले साल के मुकाबले 50% तक कम हुई हैं। लखीमपुर खीरी के रहने वाले किसान कमलापति तिवारी बहुत खुश हैं। उनके बेटे अनुराग तिवारी को सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98% नंबर मिले हैं। इतना ही नहीं, अनुराग को न्यूयॉर्क की कॉर्नल यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप भी मिली है। अनुराग तिवारी अब 1 सितंबर से शुरू होने वाली कॉर्नल की ऑनलाइन क्लास का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि कोविड-19 महामारी के चलते अमेरिका की अधिकतर यूनिवर्सिटी वर्चुअल क्लासेस ले रही हैं। अनुराग ने बताया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। यहाँ पहुँचना उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके गाँव में बिजली तक नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित साउथ सिटी पुलिस चौकी के पास सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद झकझोर देने वाली बात यह है कि रात भर शव को वाहन रौंदते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। मंगलवार सुबह राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि बुजुर्ग का चेहरा बच गया था, जिससे उसकी पहचान रजनीखंड निवासी रामचंद्र के रूप में हुई है। साउथ सिटी चौकी प्रभारी यशवंत सिंह ने बताया कि रामचंद्र यादव काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी बीमारी के कारण उनकी पत्नी 30 साल पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनका एक बेटा दीपक और बेटी सविता है, दोनों ही शादीशुदा हैं। सविता परिवार के साथ तेलीबाग में रहती है। सविता के बेटे आकाश ने बताया कि उनके नाना रामचंद किसी से मतलब नहीं रखते थे, वह इधर उधर घूमा करते थे।